तो है गाइज, मैं आशी और स्वागत है आप सभी को माय यूट्यूब चैनल आशी भाई में। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप सहारा रिफंड का ऑनलाइन आवेदन करवाए हैं तो गाइज आपके मोबाइल पर कुछ इस प्रकार के मैसेज गया होगा, जो यहां पर देख सकते हैं क्लेम नंबर दिखा रहा है। तो गाइज इस मैसेज को अब क्या करना है और ये मैसेज क्या है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इनसे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सहारा रिफंड का ऑनलाइन करने के बाद आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का मैसेज आया होगा। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं योर क्लेम एप्लीकेशन नंबर, ये रहा ठीक है। इसके बाद है डेटेड 18/8/2023, हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड टू SCCSL और HICCSL who shall give their recommendation within 30 days. The decision will be within 15 days. Thereafter, third SMS portal within 45 days of submission of claim application on the portal CRCS. तो गाइज हमने यहाँ पर इंग्लिश में समझाया है, तो आप में से बहुत किसी को इंग्लिश में नहीं समझ में आया होगा, तो गाइज अब आपको हिंदी में समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं का दबा आवेदक क्रमांक ये रहा ठीक है। गाइज इसी को क्लेम एप्लीकेशन नंबर कहा जाता है ठीक है। इसके बाद है दिनांकित 18/8/2023 को प्राप्त कर लिया गया है। तो गाइज आपको बता दें आपने 18/8/2023 को अप्लाई किया था। इसके बाद है SCCSL और HICCSL को भेज दिया गया है, जो 30 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश देंगे। तो गाइस आपको बता दें ये जो दो हमने बोला है, ये दो कंपनियां हैं उसको भेज दिया गया है, जो 30 दिन के अंदर आपका जो एप्लीकेशन क्लेम एप्लीकेशन नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको SMS के द्वारा बता दिया जाएगा। इसके बाद निर्णय SMS और पोर्टल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर, यानी पोर्टल पर दावा आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा। तो गाइस आपको बता दें 45 दिनों के अंदर आपका जो पेमेंट है वो आ जाएगा, इसके बाद आपको SMS के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। तो गाइस इस क्लेम एप्लीकेशन का मतलब ये रहा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।